Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about chapter number 10 geography, disaster and its management. Disaster and its management. ये जो चैप्टर्स हैं उनका लास्ट चैप्टर्स है. तो देखो ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंस क्या है कि व्हाट इज डिजास्टर. यहाँ पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि डिजास्टर क्या होता है एंड इट्स मैनेजमेंट और कैसे इसको मैनेज किया जाता है. डिजास्टर क्या होता है और डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाता है. डिजास्टर मतलब सबको पता है कि एक नेचुरल फिनोमेन है, नेचुरल कंडीशन है जिससे क्या होता है किसी भी मतलब तरह का नुकसान हो सकता है इससे डिजास्टर से. ये डिजास्टर में भी डिफाइंड एज ए सडन एक्सीडेंट और ए नेचुरल कैटास्ट्रोफिक. सडन एक्सीडेंट मतलब अचानक से किसी भी टाइम से किसी भी टाइम पे किसी भी सडन एक्सीडेंट किसी टाइप का एक्सीडेंशियल मूवमेंट हो सकता है किसी टाइप का मतलब फिनोमेना हो सकता है तो उसको क्या बोला जाता है डिजास्टर बोला जाता है जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. दैट कॉज द ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ. इससे क्या होता है लाइफ जो है लाइफ सिस्टम जो है हम लोग का उसका वो लॉस हो सकता है वो ख़त्म हो सकता है. लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो टोटल पूरा तरह से डैमेज हो सकता है किसी का पूरा ख़त्म हो जा सकता है. लॉस्ट ऑफ थिंग एंड लॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. हमारा जो इको सिस्टम में जो इक्विलिटी है एनवायरमेंटल फिनोमेना है एनवायरमेंटल कंडीशन से उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी नुकसान पहुँचता है उसमें भी इससे डिजास्टर से. जो सडनली डिजास्टर होता है नेचुरल फिनोमेना नेचुरली जो सडनली डिजास्टर हो सकता है उसका वजह से. इट मे लास्ट फॉर ए फ्यू सेकेंड आवर्स डेज और वीक. ये कितना टाइम का लिए हो सकता है ये किसी कुछ सेकेंड का लिए हो सकता है कुछ आवर्स का लिए हो सकता है डेज और वीक का लिए हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या डिजास्टर है ड्रॉट है फ्लड है फ्लड ड्रॉट से लेके देखो लैंडस्लाइड है लैंड इरोशन है लैंडस्लाइड से ये सब क्या है नेचुरली डिजास्टर है. वॉल्केनो सिटी हो सकता है अर्थक्वेक हो सकता है जिसको भूकंप बोला जाता है. अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है टोटल जो एरिया है किसी एक 5-7 सेकेंड का भी अर्थक्वेक होता है तो पूरा जो बिल्डिंग से लेके पार्टिकुलरली एरिया है जितना सारा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज है सब कुछ खत्म हो सकता है सब कुछ नुकसान हो सकता है. किसका वजह से वो डिजास्टर का वजह से. डिजास्टर कैन बी नेचुरल और मैनमेड. डिजास्टर जो है वो नेचुरली हो सकता है और मैनमेड डिजास्टर भी हो सकता है. ये जगह याद रखो डिजास्टर जो है वो नेचुरली हो सकता है और मैनमेड डिजास्टर भी हो सकता है. नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है देखा जाता है और मैनमेड डिजास्टर भी हो सकता है. लैंडस्लाइड पर्टिकुलरली एक एरिया में 5 फ्लोर 6 फ्लोर 7 फ्लोर का लैंड बना दिया है तो उसमें क्या होगा हिली एरिया है उसका वेट नहीं ले सकता है तो लैंडस्लाइड भी हो सकता है बाद में फ्यूचर जनरेशन में. तो ये किसका वजह से कॉन्स्टार्ट होता है मैन का वजह से हो सकता है. इसलिए बोला गया है कि डिजास्टर कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ द डैमेज कॉज्ड. डिजास्टर कैन बी फर्दर क्लासीफाइड एज ए मेजर और माइनर. डैमेज का वजह से डिजास्टर जो है उसको फर्दर क्लासीफाइड कुछ क्लासेस में डिवीजन में डिवाइड किया गया है जो जिसमें मेजर डिवीजन भी है और माइनर डिवीजन भी है. नेचुरल डिजास्टर आर प्राइमरीली कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स दैट रिजल्ट फॉर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ. ये जो नेचुरल डिजास्टर है वो नेचुरली ऑकरिंग हो सकता है नेचुरली उसका सृष्टि हो सकता है किसी भी तरह से नेचुरल फेनोमेना बहुत सारा होता है. अर्थ जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट का ऊपर हम लोग को पढ़े हो प्रीवियस चैप्टर में लिथोस्फेरिक प्लेट का ऊपर मूव करता है एक जगह से अलग जगह. तो किसी भी लिथोस्फेरिक प्लेट का ऊपर अर्थ क्या है मूव करता है एक जगह से अलग जगह. इसका पीछे भी बहुत सारा कॉजेस है जिस कारण से भी डिजास्टर हो सकता है और एक डिजास्टर का जो अगर साइड इफेक्ट हो तो पूरा जनरेशन उसका लिए खत्म हो सकता है जनरेशन का नुकसान पड़ सकता है.
Naturally, disasters are primarily catastrophic events. The results of the process of the heart का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होता है. क्या क्या है नेचुरल डिजास्टर को देखो. नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर का एक डायग्राम दिया गया है. उसमें बताया गया है कि मेजर नेचुरल डिजास्टर में मेजर और माइनर क्या क्या है. मेजर में फ्लड है, मेजर में फ्लड है, साइक्लोन है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक और सुनामी, ये सब है मेजर डिजास्टर. और माइनर में कोल्ड वेव, थंडरस्टॉर्म, हीट वेव, मार्सफायर, ये सब माइनर डिजास्टर. और मैन मेड डिजास्टर में मेजर क्या है, फायर है, वार है, इपिडेमिक हो सकता है और टेररिज्म होता है. टेररिज्म जो है वो हो सकता है, वार है, फायर है, ये सब मैन मेड डिजास्टर है जिसका जिससे भी अर्थ जनरेशन जो है जनरेशन का बॉडली नुकसान हो सकता है. और माइनर डिजास्टर में क्या है, जैसे कि ट्रैवल रिलीज होता है, फ्लड, पॉइजनिंग हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, ये सब माइनर डिजास्टर्स. आज मैं डिस्कस करूंगा नेचुरल डिजास्टर का एक इम्पोर्टेंट जगह जो है अर्थक्वेक का बारे में. अर्थक्वेक पहले जानना जरूरी है, व्हाट इज अर्थक्वेक जो है वो एक नेचुरल डिजास्टर. अर्थक्वेक क्या होता है इसका बारे में पहले पता करना जरूरी है. द सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फोर्स डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक. दैट इज वन टाइप ऑफ सडन मूवमेंट. अचानक वजह से मतलब अचानक किसी भी टाइमिंग में अर्थ सरफेस जो है अर्थ साइड सरफेस एरिया में मूवमेंट हो सकता है. अर्थ सरफेस में क्या हो सकता है, जो लिथोस्फीयर एक पार्ट है, लिथोस्फीयर पार्ट में प्लेट जो है इंडियन पार्ट पर प्लेट्स, पैसिफिक ओशियन प्लेट्स, जितना सारा प्लेट्स है एक जगह से और जगह मूव कर रहा है, इसके लिए सबमर्ज हो सकता है और डाइवर्स भी हो सकता है. तो उसका वजह से क्या होता है, एक पार्ट एक प्लेट एक जगह से और एक जगह अराइव करता है, मूव करता है, तो उसका वजह से आपका जो लेयर है वो क्या होता है, काम जाता है, उसको हिल जाता है, उसमें एक वाइब्रेशन होता है पीपी सेंटर से लेके सेंटर तक, उसमें उसका वजह से क्या होता है अर्थक्वेक होता है. इसी का मूवमेंट को बोला जाता है अर्थक्वेक. दैट इज द वन ऑफ द मेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉल्केनिक इरप्शन जिसको बोला जाता है. व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स डीप इनसाइड द अर्थ रब अगेंस्ट ईच अदर, इतना सारा टेक्टोनिक पार्ट प्लेट्स है जो अर्थ का सेंटर पॉइंट में है, वो एक जगह से और एक जगह क्या होता है मूव करता है, एक जगह से एक प्लेट्स और एक प्लेट्स के ऊपर डिपेंड डिपेंडेंस हो, एक प्लेट्स और एक प्लेट्स को एक वन टाइप ऑफ मूवमेंट करता है. दे कैन बी पास्ड अंडर इज द कॉजिंग ऑफ द ट्रेमांडियस प्रेशर. इसका वजह से प्रेशर बेल्ट का भी कॉन्स्ट्रक्शन होता है. देखो ये जो डायग्राम है फिगर नंबर 10 को अमाउंट इसमें देखो देखा गया है कि आपका मिडिल में है सेंटर, सेंटर का ठीक ऊपर में है ईपी सेंटर, ये इसका वजह से ईपी सेंटर में जो इफेक्ट होता है वो अर्थक्वेक का वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक मूवमेंट जिसको बोला जाता है. देखो द प्लेस व्हिच इज डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ईपी सेंटर. ईपी सेंटर किसको बोला जाता है, एक पर्टिकुलरली प्लेस है जो फोकस करता है डायरेक्टली जिसको जो सेंटर से सीधा सेंटर से जो टोटली ऊपर में है ईपी सेंट्रल पार्ट में, उसको सेंटर का एकदम आर्थ सरफेस पार्ट में जो है और अंदर इंक्लूडिंग पार्ट में इंटीरियर पार्ट में सेंटर सरफेस पार्ट में ईपी सेंटर इंटीरियर से एकदम स्ट्रेट जो पार्ट है इस तरह से डायग्राम होगा. अर्थक्वेक का ये अगर सेंटर रहेगा तो ये है ईपी सेंटर, दैट इज ईपी सेंटर. And that is center. यहाँ से भी अर्थक्वेक का रिकॉन्स्ट्रक्शन अर्थक्वेक का निर्माण हो सकता है. The effects of the earthquake is strongest at the epicenter and decreases as the move away. ये अर्थक्वेक जो है वो epicenter में सबसे ज्यादा strong है. अर्थक्वेक का जो पार्ट है वो epicenter में सबसे ज्यादा strongest है अर्थक्वेक, और ये मूव करता है ईपी सेंटर टू लेके
बोर है अभी, और दूर दूर तक इसी सेंटर से लेके मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और यहाँ से लेके एक एग्जैक्टली डिस्टेंस तक ये मूव करता है, एग्जैक्टली डिस्टेंस तक इसका वजह से क्या होता है, नुकसान होता है। अर्थक्वेक आर डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या होता है अर्थक्वेक को मेजरमेंट किया जाता है। तो ये जगह याद रखो, मेजरमेंट कैसे किया जाता है अर्थक्वेक का, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है उससे आरपीएल का मेजरमेंट किया जाएगा। द स्केल यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। जो स्केल से आरपीएल का जो इंटेंसिटी है उसको मेजर किया जाता है, उसका नाम क्या है, रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ से आरपीएल का मेजर किया जाता है, और जो स्केल से मेजरमेंट होता है उसका नाम है रिक्टर स्केल। ये जगह याद रखें। द रिक्टर स्केल इज कैलिब्रेट फ्रॉम द 1 to 9 स्केल रहता है इसमें, एंड इंक्रीज द पॉइंट ऑफ द स्केल इंडिकेट द फोर्स ऑफ द अर्थक्वेक। जो स्केल का स्केल में अगर इंक्रीमेंट देखा जाएगा, इंक्रीज देखा जाता है, तो उससे पता चलता है कि अर्थक्वेक जो है उसका जो ग्रेविटी है, उसका जो डेंसिटी है वो कितना है अर्थक्वेक का, जो 1 by 1 नंबर से रिप्रेजेंट होता है। अब देखो अर्थक्वेक प्रोन एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन सा एरिया है, इंडिया का पार्टिकुलरली कौन कौन सा एरिया है जहाँ पर क्या है अर्थक्वेक का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक इफेक्टेड एरिया इंडिया में कौन कौन सा जगह है, उस जगह को अब जानना है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।